जय हिंद किसान भाइयों, मैं सूर्यपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका सूर्यपाल ऑर्गेनिक्स वाला परिवार के एक और वीडियो में। साथियों, 6 से 7 दिन पहले मुझे कॉल आया था, उसमें उन्होंने जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने हमें बताया कि वर्मी बेड की जो दूसरी लेयर होती है उसे कब उतारना चाहिए। इसके लिए साथियों हमें वर्मी कंपोस्टिंग में जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको समझना पड़ेगा। साथियों, एक वर्मी बेड जो बनता है वो जब गोबर से बनता है तो उसकी हाइट 1.5 फीट रहती है। उसमें हम आधा आधा फीट के अंदाज से तीन लेयर के अंदर पूरा वर्मी कंपोस्ट उठाते हैं। कोई पूरा एक बेड एक बार में उतारते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लेयर बाय लेयर उतारते हैं। तो तीन लेयर के अंदर जो पूरा बेड होता है वो पूरा बेड तैयार हो जाता है और 3 महीने के अंदर अंदर वो पूरा उठ जाता है। तो सबसे पहले हम बेड बनाते हैं 1.5 से 2 महीने बाद, मतलब 45 से 60 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट लेयर तैयार हो जाती है। ठीक, जब हम फर्स्ट लेयर उतारते हैं तो उसके बाद जो वर्मी बेड में जो वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया होती है वो पहले से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब क्योंकि उसमें 2 महीने का वक्त लगा तो उसमें केंचुओं की संख्या भी बढ़ गई, और उस ऊपर से जब हटा गोबर और वो वर्मी कंपोस्ट हटा तो उस बेड की हाइट भी कम हो गई, जिससे अंदर एरेशन भी अच्छा होता है। तो वर्मी बेड के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया क्योंकि ऊपर से जो वर्मी कंपोस्ट था वो हट गया, जिससे क्या हुआ कि वर्मी बेड में खाद बनने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब हमने पहली लेयर 1.5 से 2 महीने के अंदर उतारी तो तीसरी लेयर मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर दूसरी लेयर तैयार हो जाती है, और उसी के बाद 5 से 7 या 10 दिन के अंदर तीसरी लेयर तैयार हो जाती है। और आप अपने हिसाब से वर्मी बेड में देखिए कि कितना गोबर तैयार हुआ है, कितना समय लगता है। वरना साथियों, इस प्रक्रिया में 3 महीने के अंदर अंदर पूरा बेड मतलब पन्नी से उठ जाता है। 3 महीने के अंदर हमारे पास लास्ट में केंचुए बचते हैं, उनको आप या तो सेल करो या फिर दूसरे बेड में डालो, लेकिन 3 महीने ज़्यादा टाइम लगता है। बारिश का गर्मी हो रही हो तो केंचुए थोड़ा कम खाते हैं, तो उस समय 3.5 महीना या बारिश के मौसम में तो 4-4 महीने भी लग जाते हैं। कुछ ये प्रक्रिया होती है। तो आप अपने हिसाब से अपने कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए जैसे जैसे गोबर तैयार हो रहा हो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना तैयार हुआ है, कितना तैयार नहीं हुआ है। तैयार हो गया हो तो आप उठा लीजिए दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। अगर आपको और कुछ वर्मिंग कंपोस्टिंग से रिलेटेड कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना के दूंगा। मेरे नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, सूर्यपाल ऑर्गेनिक्स वाला। धन्यवाद।